बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर का फैशन अक्सर लाइमलाइट में रहता है। वो अपने प्रोफेशनल वर्क से ज्यादा अपनी ड्रेसेस के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि सोनम कपूर फिलहाल मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। साल 2022 में उन्होंने बेटे वायु को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के दौरान उनका वजन 32 किलो बढ़ गया था, जिसके चलते वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी। पॉडकास्ट फैशनेबली पर्निया से बातचीत के दौरान सोनम ने इस बारे में बात की। सोनम कपूर ने कहा, मेरा वजन 32 किलो बढ़ गया था और ईमानदारी से कहूं तो शुरू में मैं सदमे में थी। सोनम कहती हैं कि मां बनने के बाद मैं अपने बच्चे के खानपान और परवरिश में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं वर्कआउट करने या सही डाइट के बारे में नहीं सोच रही थी। वो वक्त भी ऐसा होता है कि आप अपने बेबी से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। सोनम कहती हैं, इस पीरियड को बैलेंस करने में मुझे 1.5 साल लग गए। मैंने अपने वेट को कम करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे काम किया। आपको थोड़ा स्लो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आपका अपने साथ रिश्ता बदलता है, पति के साथ रिश्ता बदलता है, सब कुछ बदलता है। आप कभी भी अपने शरीर के बारे में एक जैसा महसूस नहीं करेंगे। मैं जो भी हूँ, मैंने हमेशा खुद को स्वीकार किया है और मुझे लगा कि मुझे अपने इस वजन को उस वक्त स्वीकार करने की जरूरत है। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा था, मुझे फिर से अपने जैसा महसूस करने में 16 महीने लग गए। धीरे धीरे बिना किसी क्रैश डाइट और पागल वर्कआउट के, बस लगातार खुद की देखभाल और शिशु की देखभाल। मैं अभी तक वहाँ नहीं हूँ, लेकिन लगभग वही हूँ जहाँ मैं होना चाहती हूँ। मैं अभी भी अपने शरीर के लिए बहुत आभारी हूँ और ये कितना अविश्वसनीय है। एक महिला होना एक अद्भुत बात है। इससे पहले सोनम कपूर ने बताया था कि उनकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन काफी मुश्किल भरे थे। सोनम ने कहा था कि बच्चे को बचाने के लिए उन्हें पेट और जांघों में इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। एक इंटरव्यू में सोनम ने बताया था, मुझे क्रिसमस डे पर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आनंद हमारे लंदन वाले अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में थे, क्योंकि उन्हें कोविड हुआ था, तो मैंने उन्हें जूम कॉल करके ये खबर दी। इसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें बताया। सोनम कहती हैं, हम सभी ने फैसला किया था कि मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगी, क्योंकि उस समय लंदन में कई लोगों को कोरोना हो रहा था। लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद मुझे भी बुखार, खांसी और जुकाम हो गया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी से गूगल करना शुरू कर दिया कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोविड-19 हो जाए तो क्या होता है। ये बहुत मुश्किल था। मैंने जांघों, पेट और शरीर पर लगभग हर जगह प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाए थे, क्योंकि शुरुआती वक्त था और मैं लगातार बीमार पड़ रही थी और बिस्तर पर पड़ गई थी। गौरतलब है कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने शादी से पहले कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद मई 2018 को दोनों मुंबई में शादी के बंधन में बंध गए थे। मार्च 2022 में सोनम कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।